आज मैं आपको फ्लावर बनाना और उसे वाटर कलर से कलर करना सिखाऊंगी, कैसे हम फ्लावर को कलर कर सकते हैं। जैसा आपको नज़र आ रहा है, मैं एक फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ अभी। वैसे कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम ड्रॉ करते टाइम इरेजर का यूज़ ना करें, जिससे हमारी पिक्चर ज़्यादा इफेक्टिव आए और एक ही बार में ड्रॉ करने से ज़्यादा ख़राब भी नहीं आएगा इफेक्ट पिक्चर का। Now I am going to start color the picture. अब आप देख सकते हैं मैं इसे कलर करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम लाइट येलो, क्योंकि हमारे फ्लावर का कलर येलो है, तो हम लाइट येलो से इसे पूरे फ्लावर्स को, जहाँ भी फ्लावर हैं हमारी पिक्चर में, उन्हें हल्का हल्का कलर करेंगे। आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि फ्लावर का जो पार्ट है वो मैंने येलो कलर से किया है, और अब जो हमारी लीव्स का पोर्शन बचता है उसे हम लाइट ग्रीन कलर से करेंगे। अब जो लीव्स वाला पार्ट है उसमें हम लाइट ग्रीन कलर से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेंगे जिससे कि लाइट का इफेक्ट आए अच्छे से कलर में। थोड़ा वाटर कलर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे, और वाटर कलर के साथ पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। वाटर भी नहीं, मैंने बल्कि इसमें पोस्टर कलर्स को यूज़ किया है। लीव्स के बाद जो बैकग्राउंड का पार्ट है जिसे हमें लाइट कलर से कंप्लीट करना है, वो भी हम अभी हैंड टू हैंड कर लेते हैं। सबसे पहले लाइट पार्ट, मैंने बैकग्राउंड के लिए लाइट पिंक कलर लिया है।
अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्पीड थोड़ा कम ही रखनी होगी कलर्स के लिए, जिससे कि हमारा कलर कहीं से भी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना करे। इसके बाद मैं सेकेंडरी शेड करने जा रही हूँ पिक्चर में, यानी उससे थोड़ा डार्क शेड। इसके लिए भी हम सेम कलर को विदाउट वाटर यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर कलर के लिए हम बिना पानी के कलर यूज़ करेंगे, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इससे हमारा कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है शेड इसका। इसी तरह से हम ग्रीन के भी सेम शेड को विदाउट वाटर यूज करेंगे डायरेक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि शेडिंग के लिए डार्क या लाइट किसी भी कलर को एक ही डायरेक्शन से सभी को करना है, यानी अगर आपने अपने राइट साइड से लिया है तो राइट साइड से, और अगर लेफ्ट साइड से किया है स्टार्ट डार्क या लाइट करना तो लेफ्ट साइड से ही कंप्लीट करेंगे। यानी अगर लेफ्ट साइड में आप शेड देते हैं तो लाइट आपकी राइट साइड से आएगी हमेशा, और अगर लाइट लेफ्ट साइड में है तो डार्क पार्ट आपका राइट साइड से होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव द फाइनल टच टू द पिक्चर। अभी ये फाइनली मैं आपकी पिक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ। बेसिकली 3 टोन्स यूज़ किए हैं मैंने कलर के, लाइट, डार्क एंड मीडियम टोन। अब इसी तरह से ग्रीन के लिए भी हम उससे थोड़ा डार्क शेड यूज़ करेंगे, सेम अपोजिट डायरेक्शन, जैसे आपको पहले बताया था कि जिस डायरेक्शन से लाइट लिया है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम डार्क कलर को यूज करेंगे।
फाइनली अब मैं इस पिक्चर में एक फिनिशिंग टच देने जा रही हूँ, लेकिन फिनिशिंग टच यानी फाइनल टच देने के लिए हमें थोड़ा लाइट ब्रश यूज़ करना है। पोस्टर कलर्स में यही फैसिलिटी होती है हमें स्पेशली कि हम किसी भी कलर को डार्क या लाइट जब जहाँ ज़रूरत है यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स में यही कंफर्ट है हमें कि हम लाइट और डार्क कलर को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमें लाइट की ज़रूरत है वहाँ लाइट, अगर कहीं छूट गया है तो उसमें हम दोबारा से हाईलाइट कर सकते हैं उस एरिया को। अब लीव्स को फिनिशिंग टच देने के लिए मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी लाइट पार्ट के लिए, और डार्क के लिए ऑलिव ग्रीन कलर। फाइनली डार्क शेड के लिए मुझे कलर के साथ ब्लैक मिक्स करना होगा। क्योंकि अभी कलर हमारा गीला है तो गीले में हम डार्क या लाइट
ब्लैक और वाइट के साथ अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारा मिक्स हो जाएगा। Now our picture is completed. अभी ये picture complete हो गई है हमारी। It to use only some green color here.